हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। स्वेटर, लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, फ्रॉक, जैकेट, शॉल, किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है ये डिज़ाइन। जस्ट 24 रोज का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 11 मल्टीपल में फंदा लेना है, प्लस 2 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 11 प्लस 2। इसमें मैंने 11 मल्टीपल करके 11 प्लस 2 कर लिया है, टोटल 13 कर लिया है। फर्स्ट रो राइट साइड, फर्स्ट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। पीछे की साइड से यार्न ओवर कीजिए, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागा पीछे, फिर 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार। यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। आपको ये रिपीट करना है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। फर्स्ट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, फिर 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, सॉरी लास्ट का 3 फंदा उल्टा, 1 एंड ओवर किया फंदा भी उल्टा बुनना है, 2 लास्ट का 1 फंदा भी उल्टा। सेकेंड रो भी सीधा पे सीधा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा सीधा, फिर यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागा पीछे, 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार। एक फंदा सीधा यार्न ओवर, फिर एक फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। आपको ये रिपीट करना है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फोर रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, फिर 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, धागा पीछे, फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, लास्ट का 1 फंदा भी उल्टा। 4 रो भी सीधा पे सीधा उल्टा पुल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फिफ्थ रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर यार्न ओवर,
एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा सीधा एक दो, फिर यहाँ ओवर एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा एक दो तीन, फिर तीन फंदा सीधा एक दो तीन, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। आपको ये रिपीट करना है, लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। फिफ्थ रो भी बुन के कम्प्लीट कर लिया है। सिक्स रो, सिक्स रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है इसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है इसको सीधा बुनिए। आप सेवन रो, सेवन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर यार्न ओवर एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। फिर ये दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, तीन फंदा सीधा एक दो तीन, फिर यार्न ओवर एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा एक दो तीन, फिर दो फंदा सीधा एक दो, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। आपको ये रिपीट करना है, लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। सेवन रो भी बुन के कम्प्लीट कर लिया है। एट रो, एट रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। नाइन रो, नाइन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ स्लिप पैटर्न स्टार्ट करना है, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर यार्न ओवर एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, चार फंदा सीधा एक दो तीन चार, फिर यार्न ओवर एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा, दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। आपको ये रिपीट करना है, लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। नाइन रो भी बुन के कम्प्लीट कर लिया है। अब टेन रो, टेन रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। आप इलेवन रो, इलेवन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच, फिर यार्न ओवर एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, पांच फंदा सीधा एक दो तीन चार पांच, फिर यार्न ओवर एक फंदा सीधा, फिर तीन फंदा उल्टा एक दो तीन, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। आपको रिपीट करना है, लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। इलेवन रो भी बुन के कम्प्लीट कर लिया है। आप ट्वेल रो, ट्वेल रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है इसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है इसको सीधा बुनिए। आप थर्टीन रो, थर्टीन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ स्लिप पैटर्न स्टार्ट करना है, ये दो फंदा स्लिप कीजिए, एक दो। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार
पाँच। धागा आगे फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर पीछे की साइड से यार्न ओवर। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार। दो फंदा को एक फंदा बनाए पीछे की साइड से, फिर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा यार्न ओवर। आपको ये रिपीट करना है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। 13 रो भी बुन के कम्प्लीट कर लिया है। अब 14 रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। अब 15 रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। दो फंदा स्लिप कीजिए, एक दो। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, धागा आगे तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर यार्न ओवर, एक फंदा सीधा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार। दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा यार्न ओवर, एक फंदा सीधा। आपको रिपीट करना है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। 15 रो भी बुन के कम्प्लीट कर लिया है। आप 16 रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। आप 17 रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। दो फंदा स्लिप कीजिए, एक दो। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, धागा आगे तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर यार्न ओवर, दो फंदा सीधा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार। दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा यार्न ओवर, दो फंदा सीधा, एक दो। आपको रिपीट करना है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। 17 रो भी बुन के कम्प्लीट कर लिया है। 18 रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। आप 19 रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। दो फंदा स्लिप कीजिए, एक दो। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार। दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा यार्न ओवर, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। आपको ए रिपीट करना है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। 19 रो भी बुन के कम्प्लीट कर लिया है। अब 20 रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है इसको सीधा बुनिए। 21 रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। दो फंदा स्लिप कीजिए, एक दो। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर यार्न ओवर, चार फंदा सीधा, एक दो
चार। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार। दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा यार्न ओवर, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, सॉरी चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। आपको ये रिपीट करना है यहाँ से, फिर वही आपको ये रिपीट करना है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। 21 रो भी बुन के कम्प्लीट कर लिया है। रो 22 उल्टा पे उल्टा सीधा पे सीधा बुन के कम्प्लीट करना है। रो 23 एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। दो फंदा स्लिप कीजिए, एक दो। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, धागा आगे, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा यार्न ओवर, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार। दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा यार्न ओवर, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। आपको ये रिपीट करना है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। 23 रो भी बुन के कम्प्लीट कर लिया है। रो 24 उल्टा पे उल्टा सीधा पे सीधा बुन के कम्प्लीट करना है। 24 रोज का डिज़ाइन है। इन्हीं 24 रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। अब यहाँ से फिर रो 1 स्टार्ट करना है, देन रिपीट करके जाना है रो 1 से रो 24 तक। जब भी बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिज़ाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।